Namaskar, Adab, Satyakal. Welcome to your show Beyond the Stars with your host Sonia. ऐसी आँखें नहीं देखी, ऐसा काजल नहीं देखा, ऐसा चेहरा नहीं देखा, ऐसा जलवा नहीं देखा. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदरता की, ब्यूटी की. आइए जानते हैं कि इसे कैसे मेंटेन करते हैं. From our guest, Mr. Tony Sai. Please welcome, sir. नमस्कार. आज स्टूडियो में फिर से आपका स्वागत है. सर, वी आर टॉकिंग ऑन ब्यूटी, सुंदरता. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. सुंदरता में सबसे पहले जो बात आती है वो है स्किन की. क्या रीजन है कि कई लोग बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन से गिफ्टेड होते हैं एंड कुछ लोगों की स्किन खराब होती है? इसके भी प्लैनेटरी रीजंस है. आज हमें इसके बारे में बताइए. ज्योतिष शास्त्र में खूबसूरती का ग्रह होता है चंद्र, और उसको अगर शुक्र सपोर्ट कर रहा है, जो चंद्र को मेंटेन करता है, अच्छा खाना पीना, अच्छा कपड़ा पहनना, और हर कपड़ा उन पर अच्छा लगता है, वो बुध ग्रह का कारक बन जाता है. ये तीनों जो फीमेल प्लैनेट्स हैं, चंद्र, बुध और शुक्र, अगर इन तीनों ग्रह बराबर कुंडली में हो तो नेचुरली इंसान को अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान रखना पड़ता है. उसको गॉड गिफ्टेड, अभी आपने कहा, जो दिया हुआ भगवान ने, उसके साथ साथ तो मेंटेन भी करता है. स्ट्रांग होगा वो, ऑब्वियसली बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल गोरा. किसी ऐसे स्टार की बात बताइए जो बहुत सुंदर है. हाँ, हमारे फिरोज खान साहब, जो अच्छे स्टार रहे अपने खूबसूरती के कारण, जिनको हमेशा पहना ओढ़ा बहुत स्मार्ट लगा, और उनका एक तौर तरीका भी बड़ा ब्यूटी का मेंटेन कर रहता था. किसी लेडी के बारे में बताइए. ये सीक्रेट है. आमिर खान एंड शाहरुख खान, वो है कंपैरेटिवली द बेस्ट जो है वो फिरोज खान साहब, जिनका चंद्र, बुध, शुक्र, जो इतने ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी जिन्होंने अपनी सुंदरता को मेंटेन रखा, और उसी तरह से उनका पहनावा रहा, हर अपना शौक वो पूरा करते रहे अपने शरीर को सुंदर रखने के लिए. यानी वो हैंडसम है. हैंडसम. उनके बेटों के बारे में आपका क्या कहना है? वो ठीक है, अभी एवरेज है, अभी वो धीरे धीरे पहुंचेंगे उस स्टेज. नहीं जी, आपने मेरे कहने का मतलब, आपने उनका हॉरोस्कोप देखा है? हाँ बिल्कुल. तीनों का बिल्कुल देखा है. उनके पापा के कंपैरेटिवली उनका चंद्र थोड़ा, हाँ, जो उनका है वो उनका ही है. मुझे लगता है आप पर्सनली उनके बहुत बड़े फैन हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मैंने बहुत पिक्चर्स देखी, उनके ऊपर काला रंग बहुत ही खिल के आता था. उनकी बहुत पिक्चरें थी, जैसे धर्मात्मा थी, नागिन थी, तो बहुत ही स्मार्ट लगते थे वो. अपनी ब्यूटी के कारण ही उनको मैं देखने जाता था. यूजुअली स्किन में इरप्शंस होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं टीन एज में, उसका रीजन क्या होता है? बहुत ज्यादा अगर सूरज तेज हो कुंडली के अंदर तो वो आग का कारक बन जाता है. शरीर के अंदर इतनी आग होती है, जो पॉजिटिव सेल होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करता रहता है, और उसकी जो नेगेटिविटी है वो शरीर के बाहरी रूप में आती है. सबसे पहले वो फेस पर ही आती है, क्योंकि बाहर भी उसको धूप लगती है और अंदर से भी गर्माइश आ रही है. ये इतने प्रतिशत केस बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉपर खाना नहीं खाना, अच्छे तेल इस्तेमाल नहीं होने, तो उसके कारण ये बीमारी बढ़ती है. ब्यूटी के जो ऊपर चेहरे के ऊपर बहुत तरह के एक्नीज हो गए, ब्लिस्टर, पिंपल्स हो जाते हैं, ये सूरज जब बहुत नीच हो तो उनकी गर्मी बाहर आती है. उसके लिए सूर्य के उपाय कराए जाते हैं जो इस चीज से उनको बचाते हैं और उनकी ब्यूटी में निखार लेके आते हैं. किस तरह के उपाय? पहला उपाय होता है कि उनके लिए होता है कि सूरज का उपाय करना है, कि सुबह जब सूरज निकलता है गर्भावस्था से, उसको कम से कम 10 मिनट तक देखना. वो जो रेस पड़ती है चेहरे के ऊपर, जितनी भी उनके चेहरे के ऊपर छोटे छोटे छाले हैं, घाव पड़ जाते हैं, एक्सटर्नल जितने भी हैं, वो सारे के सारे, उसको एक दवा मिलती है क्रोमोपैथी के थ्रू, सूर्य चिकित्सा के थ्रू. और उसके बाद हम उनको कहते हैं कि बिना ब्रश और बिना पानी पिए 3 काली मिर्च का सेवन करो, 15 मिनट तक उसको मुंह में चूसो, जब वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए उसको रस को अंदर लो. उससे क्या होता है कि जितना भी ब्लड होता है वो साफ होता है, क्योंकि सन रेस जब फेस पर पड़ती हैं उससे जितने भी बाहर के घाव होते हैं वो सारे के सारे ठीक होने लगते हैं, उनको बहुत अच्छी हीलिंग मिलती है. और अंदर उन्हें जो काली मिर्च का जूस लिया होता है, अंदर वो दोबारा वो गर्मी की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म करते जाते हैं. ये 3 महीने का कम से कम कोर्स होता है. जो मेडिसिन है लाइक साफी, ब्लड को क्लीन करती है नेचुरली, मेरे ख्याल से जो जूसेस हैं उसको पीने से स्किन ग्लो करता है. इसके अलावा क्या कुछ रेमेडीज हैं जिससे और स्किन क्लियर स्किन हो और ग्लो करे स्किन? इसके होता है कि जो व्हाइट कलर के फूल होते हैं जिसमें एरोमेटिक नहीं होते, बिना सुगंध के होते हैं, वो थोड़े से 7-8 फूल शाम को धोकर एक गिलास पानी में भिगो,
और सुबह उसको पीना है और बाद में एक ड्रॉप पानी को सिर्फ उस पानी को पीना है और बाद में उसकी बची एक ड्रॉप अपने पूरे के पूरे मुंह पर मल लेनी है। एक ही ड्रॉप काफी होती है लोशन के लिए। उससे क्या होता है कि जितना आप रात को 6-7 घंटे सोए होते हो, जब इंसान सोता है रात को तो उसकी ब्लड की जो क्रिया है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो जहां पर उसके चेहरे पर मुंह पर निशान है जो अचानक आ जाते हैं, कुछ ब्लिस्टर पिंपल्स हैं, एक्नीज हैं, तो वो जब वो दोबारा उभरने लगते हैं तो वो पानी में इतनी ताकत होती है वो उनकी जड़ से उनको खत्म करते हैं। You mean to say rose water? नहीं, नहीं, white, कोई भी white full without the perfume, जो आम लगता है सदाबहार टाइप का, जिसके अंदर without, या without perfume, जिसके अंदर सुगंधी हो, जिनके पूरे स्किन पे white spots होते हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत वो केस आमतौर पर ये देखने आया कि डिलीवरी के बाद भी लेडीज में ये प्रॉब्लम हो जाती है और मेल पर्सन के अंदर भी। मेरे पास कुछ केसेस काफी समय से चल रहे हैं, बहुतों को सुधार हुआ। पहले पढ़ते थे किताबों को कि फिश खाने के बाद अगर दूध पियो तो ये बीमारी हो जाती है, या दही के साथ कोई और खट्टी चीज खाए, डबल केतु चंदर हो जाए, अचार पिकल्स वगैरह ले लिया कर्ड्स के साथ तो प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये होती है बीमारी जहां जहां पर ब्लड प्रॉपर बॉडी में ना घूमे। मंगल और केतु जब एक दूसरे को देखते हैं, केतु व्हाइट का कारक है और मंगल होता है ब्लड का कारक, जब ये नीच दिशा में आते हैं, उनको बीमारी के घर में आ गए और ब्लड वहां पर नहीं घूमता जिस पोर्शन पे, वहां पे वो केतु का पहले इंटरनल स्पॉट हो जाता है और बाद में वो एक्सटर्नल में आ जाता है। उससे फिर परेशान होकर लोग बाग तमाम दवाई लेते हैं, जगह जगह जाते हैं, पर इसका भी उपाय वही है जो भी मैंने आपको काली मिर्च का कहा। और जिनको अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखना है, सुंदर रखना है, वो लाल मिर्च बिल्कुल अवॉइड करा करें। लाल मिर्च से ब्यूटी के ऊपर बहुत परेशानियां आ जाती हैं जो उनकी सुंदरता को नष्ट करती है। आपका कहने का मतलब लाल मिर्च खाना नहीं चाहिए? हाँ, एक्सेप्शनल कभी फंस जाओ तो खा लो, नहीं तो काली और हरी। हरी मिर्च के बारे में क्या कहना है? बहुत सारे लोग हरी मिर्च खाते हैं। हरी मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च से क्या होता है कि बॉडी के अंदर से एकदम पसीना निकलता है, जिसकी बॉडी से एकदम पसीना डिस्चार्ज होता है, क्योंकि मिर्च होती है इस वक्त सूरज का कारण, तीखी है और पसीना भी सूरज का कारण है। जो लोग बाग हरी मिर्च ज्यादा खाते और पसीना ज्यादा निकलता है तो वो शरीर के ऊपर कोई भी फोड़े पुंसी नहीं रहने देते, एकदम वो डिस्चार्ज करते जाते हैं उस पोर्शन को, तो और स्किन अच्छा के लिए वो बहुत अच्छी है। आंखों के लिए तो है ही हरी मिर्च, और शरीर के ऊपर, मुंह के ऊपर जितने भी छोटे छोटे दाग धब्बे, कोई पिंपल्स आ गए, वो खत्म। इफ यू वांट टू स्टे यंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हरी मिर्च खानी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको जैसे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमेशा खारिज, ये रेनी सीजन में ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, कई बार उनको बारिश का पानी रिएक्ट कर गया या कोई ऐसा उस टाइम में मस्कीटो हो जाता है जो वो ठीक नहीं होता, वो उस दिन से शुरुआत हुई, 2-4-6 महीने सालों तक लोगों को चलती है, और ये बीमारी कभी कभी 8-10 दिन के लिए आती है। इस पे फिर हमारे जो होते हैं ज्योतिष शास्त्र में ये देखना होता है कि हम कुंडली के अंदर कि इनके परिवार को तो नहीं हुई ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड बन रही है, ब्लड जरूर बॉडी में इधर से उधर प्रॉपर नहीं सर्कुलेट करके गया। फिर उसके हमको उपाय करने होते हैं, नमक का सहारा, कि हल्का सा नमक गुनगुने पानी में डाल के उसको आप स्पंज कर सकते हो पूरी बॉडी को जहां पर, फिर आधे घंटे बाद आपने स्नान करना, आधे घंटे बाद आप फिर ना गर्म पानी से या ठंडे पानी, बिल्कुल गुनगुना पानी लेस उसी से करना है। पहले वो जो नमक का करना है, हाँ वार्म, जो नमक का करना है वो भी वैसे ही करना है। क्या होता है उससे? उससे क्या होता है कि जो आगे उसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है बॉडी में या उनके परिवार से संबंधित, वो इमीडिएट वहीं पर रुक जाता है। फिर उसके हम कराते हैं थोड़े से उपाय होते हैं केतु के हो गए और सूरज के हो गए मिलके, जिससे उनकी बीमारी को एकदम आराम मिल जाता है। कई बार मैंने ऐसा देखा कई यंगस्टर्स को स्किन में गांठ टाइप आ जाती है। वो क्यों होती है? कुछ हमारी ऐसी नसें होती है जिनके अंदर तीनों ग्रह चलते हैं, and it itches also. या, वो तीन ग्रह चलते हैं हमारे, मंगल ब्लड का, सूरज हो गया आपका सॉल्ट का, और चंद्र हो गया पानी का। ये तीनों में से अगर एक भी ग्रह इधर से उधर होता है, जिसको सूरज ग्रह की कमी के कारण होती है वो ड्राई होगी, जिसको मंगल की है उसको वेट नॉट हो जाएगी, और जिसको चंद्र की है वो तो फिर स्किन ऐसे फैलने लग जाती है ज्यादा से ज्यादा। उनको फिर ये तीनों की उपाय की जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द एज वाइज उससे ठीक किया जाता है। इस एक्जिमा की क्या हेरिडिटी होती है? एक्जिमा बिल्कुल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। इट्स हेरिडिटरी या ये वही है, ये हो जाती है किस कारण से
कि जो लोग बाग खाना खाने के बाद पानी कम पीते हैं, सबसे पहले ये मेरे ख्याल से खाना खाने के इमीडिएटली बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, चाहे 15 मिनट बाद भी अगर पानी पीना है तो खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो हम खाना चबाते हैं, जो पोर्शन हमसे नहीं चबाया जाता वो यूं ही अंदर चले जाते हैं हमारे दांतों से पास होके, वो एक्जिमा के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, जिसको आप फंगस भी बोलते हो कई बार, वो भी इसी कारण लगती है बॉडी के अंदर। चाहे आदमी एक फुल्का खाता है, एक ब्रेड पीस लेता है, चाहे एक बिस्किट लेता है, प्रॉपर चबाए उसको जी। और चबा कर फिर 15-20 मिनट अगर उसने पानी पीना है तो खूब पानी पिए उससे, जितना पानी पिएगा जो उसका बुरा असर था जो एक्जिमा और फंगस पे चले जाते हैं वो खत्म हो जाता है। ये बताइए कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसका क्या रीजन? एक तो नींद ना आना, नंबर दो कुंडली के अंदर जो इंसान के लगन सिंह लगन में हो, सिंह लगन मतलब पांचवी राशि का जो इंसान पैदा होता है उसकी आंखों के नीचे हमेशा ये ब्राउनिश धब्बे रहेंगे। वो रीजन है कि सिंह वो लॉयन शेर का कारक है, तो उसने शेर में अपनी पर्सनैलिटी देनी है उसके चेहरे के अंदर। और ये आमतौर पर जिनका लंबा थोड़ा फेस होता है ना, चिन से लेके फोरहेड, उनको ये जल्दी हो जाते हैं, राउंड फेस वालों को ये बीमारी नहीं होती। How can one maintain their figure? जिससे फैट नहीं हो बॉडी में। हाँ हाँ। Astrological reason? Astrologically तो ये है कि खाना इंसान जो खाता है दिन में 3 बार, खाना उतना ही खाए जितनी उसकी कैपेसिटी 8 घंटे तक पचाने की हो। एक्सेस नहीं, थोड़ा हाँ, रेगुलेट करके फैट फ्री फूड। और अगर मेंटेन करना है आपको पूरी अपनी बॉडी को, तो धीरे धीरे वो चीज छोड़नी शुरू कर दे जो चीज उसको ज्यादा खाने में पसंद है, तो उससे बॉडी मेंटेन रहती है। इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। पहला इसके अंदर एक उपाय होता है एस्ट्रोलॉजिकली सूरज के साथ, क्योंकि दिन की शुरुआत है, दूसरी चंद्र के साथ। चंद्र के साथ क्या है, जब शाम होती है, सनसेट होता है, चंद्रमा का आगमन होता है, तो चंद्र ग्रह वैसे भी कुंडली में उस टाइम पावरफुल हो जाता है, और जैसे फुल मून के डेज होते हैं बहुत ज्यादा, बॉडी के अंदर कोई भी फिर महीना, चाहे गर्मी चाहे सर्दी चाहे बरसात का, डिनर के बाद एटलीस्ट 2 गिलास गुनगुने पानी के पीने चाहिए। उसके कारण जो बॉडी में आपकी चर्बी बन रही है, चर्बी के ग्रह होते हैं बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये ग्रह हैं, ये कुंडली में बहुत पावर पे हैं, मोटापा दे रहे हैं बहुत, और लोग इससे डरते हैं क्योंकि पेट बढ़ता है तो चेहरे पे वैसे ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो जो आपने सारा दिन में खाना खाया, जितनी आपके अंदर वो चर्बी बनी थी वो साथ के साथ डाइल्यूट हो जाती है उस पानी से। एक सुबह का पानी क्या पीनेगा, सुबह आमतौर पर लोगों को हमने पानी देखा निर्णय काल 2-2 जग पी जाते हैं वो है, लेकिन हल्का सा जिसको अगर शुगर नहीं है तो सुबह पानी जो पहले पीना, हल्का सा मीठा डाल के पीना चाहिए, चाहे 1 ड्रॉप शहद की डाल दो, उससे ब्यूटी आपकी बिल्कुल बरकरार रहती है। वेरियस रीजंस होते हैं उसके, कुछ प्रेगनेंसी के होते हैं, कुछ एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के बाद जो बॉडी रिड्यूस हो जाती है उससे होते हैं। So what do you have to say about that? उसमें हम कहते हैं कि शुक्र ग्रह को पकड़ लेते हैं भाई, क्योंकि तुम्हारा काम है कि ब्यूटी, एक्सटीरियर ब्यूटी को मेंटेन करना। उसमें फिर मतलब मेरे कहने का मतलब बॉडी के किसी भी स्कार्स को जलने की वजह से हो जाता है। हाँ 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 हाँ। उसको कैसे कम्प्लीटली मिटा सकते हैं? उसको हाँ, बहुत केस निपटे हैं से। उसपे देखो ये होता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जातक की कुंडली में उसके अंदर कितनी विल पावर है, जो उसके उस मार्ग के कारण वो इतना परेशान है, जो जितने उसके चेहरे पर है या बाजू में कहीं भी निशान है उसको ठीक करने को कितना टाइम दे सकता है। इससे बेस्ट होता है कोकोनट ऑयल, उसको जितना आप उसके ऊपर मालिश करेंगे, रब करोगे, उतना बढ़िया है। अंदर इसकी डाइट क्या होती है, वही सफेद फूलों का जो मैंने पानी बताया, उससे भी वॉश करने से वो दाग कम होता है। पीना पानी, आई थिंक नारियल पानी भी ठीक है, वो वैसे कोकोनट ऑयल है थोड़ा ड्राई का बनता है, नारियल पानी जो होता है वो वेट का होता है, जो ड्राई वाला होता है वो जल्दी इफेक्टिव होता है। और दूसरा जो मैंने सफेद रंग के फूल बताए चंदर के, वो फूल जो है सफेद वो भी चंदर के, और पानी चंदर में डाल के डबल वो बन जाता है। एक्सक्यूज मी साईं जी, डिस्कशन अभी जारी है, हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट शो बियॉन्ड द स्टार्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्यूटी। साईं जी, एक बात पूछनी मुझे आपको, देर आर सर्टेन करेक्शंस विच पीपल वांट टू डू ऑन देयर फेस, कॉस्मेटिक करेक्शंस, फेस अपलिफ्टमेंट,
at times they go to surgical ways of doing it in a very small way. So can astrology solve that problem? Like suppose koi orthodontist daanton ki surgery karta hai usko beautiful smile ke liye aur koi upliftment ke liye, to kya ye surgeries ko regulate kiya ja sakta hai astrology? Bilkul kiya ja sakta hai, kyunki daanton mein jab bhi trouble aayegi na, agar uske koi chot nahi lagi, daanton mein problem aagi, kai bari shape bigadne lag jati hai, wo hoti calcium ke karan, वो केतु और मंगल का कारण है। नहीं, कई लोग बचपन से बॉर्न होते हैं कि उनके दांत ठीक नहीं है, बिल्कुल वो ब्रेसेस लगाते हैं। हाँ ठीक, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, शेप जो है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं ठीक कर सकती। जो शेप है, जो कुदरत ने नेचुरल शेप दिया, उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं ठीक कर सकती। बाकी जो इसमें के आने वाली आगे जो कमी है उसको ठीक कर सकती। इफ समबडी इज प्रेग्नेंट, कैन शी नो अबाउट हर चाइल्ड कि वो सुंदर होगा कि नहीं होगा, उसको सुंदर कैसे किया जा सकता है? एस्ट्रोलॉजिकली जब कोई प्रेग्नेंट है लेडी, उससे देखने मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए, भी खूबसूरत या वो, उस पर बड़ी सावधानियां होती हैं हर तरह की। वैसे तो 90% इसमें हेरिडिटी ही चलती है, क्योंकि चंद्र खुद अपने आप एक उपाय है। चंद्र माँ होती है कुंडली के अंदर, माँ की जैसी ब्यूटी है 90% तो बच्चे की वो ब्यूटी चलती है। पहला तो इसमें कोई उपाय की जरूरत है नहीं, लेकिन वो 90% को मेंटेन कैसे करना है, उसके बड़े उपाय होते हैं कि सनसेट के बाद जितना वो दूध पीते हैं फेयरनेस के लिए, उतना ही ब्राइट रहते हैं। ये तो होते चंद्र का उपाय। एक होता है फल का उपाय, जो बुध बृहस्पति से रिलेटेड है, फ्रूट्स। इनको सुबह 11 से और शाम के 4 बजे के टाइम में जितना खाया जाता है तो बच्चा उतना स्वीट निकलता है। स्वीट मतलब देखने में भी और मीठा भी। और वैसे भी जो फ्रूट्स खाते हैं या मिल्क डाइट में लेते हैं, उनको भी यू रिकमेंड कि शाम को ही लेना चाहिए? हाँ, उसकी इसकी क्या वजह है? क्योंकि अपने टाइम में चंद्र को लिया जा रहा है ना, चंद्र का टाइम दूध का है, उसको अपने टाइम में लिया जा रहा है। संध्या के वक्त जितना दूध इंसान पीता है, बच्चा बूढ़ा जवान जो भी, उतना उसकी बॉडी के लिए वो इफेक्टिव होता है। सुबह के टाइम में जो पीता है सन के टाइम में, वो 50% इफेक्टिव होता है। हेयर लॉस एक कॉमन प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में ये ज्यादा होती है, कई बार यंगस्टर्स में ग्रे हो जाते हैं यंग एज में। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बुध ग्रह जब नीच हो, अंदर इंटरनल एक नजला चलता है, तुम्हारे नोज की 3 वेन्स होती हैं ऊपर को, वो तीनों बुध से रिलेटेड है। बुध ग्रह के अंदर जिस इंसान का जो नजला ग्रीन कलर का निकलता है, उनके बहुत जल्दी बाल झड़ने लग जाते हैं और व्हाइट हो जाते हैं। उसके लिए फिर हम उनको कहते हैं कि बुध ग्रह के आपने उपाय करने होते हैं। पन्ना पहन लो 7.5 रत्ती का, इस फिंगर में चांदी में, आंवले का मुरब्बा खा लिया जाए। आपका कहने का मतलब है कि यंग एज में अगर किसी के हेयर ग्रे हो, उसको रेगुलेट कर सकते हैं आप कंप्लीटली थ्रू एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। कैसे होता है? पहला उपाय उस पर यह होता है कि जो मैंने बताया ना कि इंटरनल जो मेडिसिन है, क्योंकि उसका मर्करी खराब है, नजले निकला है, और कोई रीजन नहीं। तो व्हाट शुड द पर्सन डू? मर्करी का आंवले का मुरब्बा, गोल ग्रीन हरा, एक उसके साथ दूध पीना बड़ा इफेक्टिव होता है। तीसरा, सूखे बादाम खाने होते हैं, भिगोए हुए नहीं, और उसका सूखे बादाम का पाउडर बनाकर क्रीम डालकर, जो आपकी ये मिल्क क्रीम होती है। बट मलाई तो कोई हेयर पे लगाते हैं? बिल्कुल लगाई जाती है, दवाई बन जाती है उसके साथ, बादाम के अकेली नहीं, उसके साथ अकेली लगाने से मेरे ख्याल से और ग्रेनेस होगी। हाँ, वो बादाम का जो पाउडर है वो डाल के लगाना है, क्योंकि वो फिर उसके अंदर थोड़ा ग्रीसी करती है हेड को। ग्रीसी करने से आने वाला जो भी है वो बाल होगा वो हमेशा ब्लैक बनेगा, व्हाइट ग्रे नहीं होगा। और जो ग्रे है वो हेयर जो है हमारा, ये शनि से रिलेटेड है, और शनि का तोड़ इस पे ड्राई आलमंड बनता है। जितना इसका सेवन करो और सिर पे मलो उतना है। अब कुछ लोग वो कहते उनके मुंह पर प्रॉपर दाढ़ी मूछ नहीं आता, वो बड़े परेशान होते हैं। बड़े बड़े ऐसे केसेस हुए, ये स्मार्टनेस नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, चाहे उन्हें शेविंग ही करनी होती है पर प्रॉपर उसके स्पॉट होते हैं। उनको फिर दवाई बताई जाती है देसी, मंगल शहद क्रीम हो गई आपकी, ये जो चंदर की हो गई, और ड्राई हो गया आलमंड शनि, तीनों को मिक्स करके लोशन बना के रात को अच्छी तरह से मुंह गुनगुने पानी से धो के, जिस जिस जगह पर आपको दाढ़ी मूछों की कमी है अच्छी तरह से रब करके सो जाओ, और सुबह गर्म पानी से धो, एक महीना करने से उनकी दाढ़ी प्रॉपर शेप में आ जाएगी। व्हाट इज द रीजन फॉर नेल्स, जो नेल टूटते हैं, किसी के लंबे नाखून नहीं होते, तो वो क्या करें? इनके लंबे नाखून नहीं होते, ये राहु का उपाय होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी के अंदर जब कैल्शियम होता है कॉपर के साथ मिक्स हो जाता है, तो नेल्स टूटने लग जाते हैं, नेल्स आते नहीं, और नेल्स कई बारी डार्क हो जाते हैं, बड़े भद्दे से लगते हैं।
फिर उसके ऊपर लेडीज तो नेल पॉलिश वगैरह लगाती हैं, जेंट्स चलने देते हैं, तो उनका फिर राहु के थ्रू उपाय किया जाता है। उसका पहले उपाय क्या होता है, मैं आपको राहु का बता दूं कि जौ का जो पानी होता है वो थोड़ा सा रात को भिगो देना है, उसको सुबह एक चम्मच शक्कर डाल के पीना है। जौ को चाहे आप गऊ को खिला दो, रेगुलर एक महीना पीने से जो नेल्स की प्रॉब्लम है, बार बार नेल्स जल्दी हल्के से हवा में भी टूट जाते हैं, उनका टूटना बंद हो जाता है। What is the solution for जो होट फटते हैं कभी, एंकल्स एंड हाथों की जो एरिया होती है वो डार्क सी होने लगती है, उसका क्या? ये कुंडली के अंदर बुध ग्रह जब भी नीच होगी, बुध ग्रह हवा का कारक है। एक हवा जैसे हमको बहुत अच्छे हिल स्टेशन पे जाके हवा ले रहे हैं, वहां पर भी उनके फूटते हैं, क्रैक होते हैं, उसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है, एड़ी है, घुटने, लिप्स हैं, इनके ऊपर आ जाते हैं। इस पे बुध ग्रह को हमने ठीक करना होता है, कि बुध ग्रह के उपाय होते हैं कि जिससे ये काम होता है। बुध ग्रह का होता है कि आंवले का तेल मलने से इन जगहों पे ये ड्राइनेस खत्म हो जाती है, एड़ी जो क्रैक होती है वो भी रेगुलर अगर आप उसको करते अच्छी तरह से वॉश करके, तो एक डेढ़ महीना लगाने से जड़ से ये प्रॉब्लम चले जाती है। कहते हैं कि फिश खाने से भी बहुत स्किन ग्लो करता है, इसके बारे में आपको क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा ऑयली होती है फिश की, एक क्वालिटी होती है, पर मैंने आज तक खाई नहीं है, पर बता यू आर अ वेजिटेरियन। या प्योर वेजिटेरियन। बाकी उसके मैंने पढ़ा बहुत है फिश के ऊपर, मैक्सिमम लिटरेचर हमने अध्ययन किया है। फिश कहीं पर राहु भी है, कहीं पर केतु भी है, इसके अलग अलग कारण होते हैं। सम पीपल डू नॉट हैव शार्प नोज, इसका क्या कारण होता है? ये होता है बुध ग्रह उनका राउंड में होगा, इधर पैच होगा, गोल में बना हुआ होगा, जैसे अपने कई फिल्म स्टार हैं उनके हैं राउंड में। कौन जैसे? जैसे अपने सदाशिव रावपुर वर्कर जो हैं, उनका जो नोज है पूरा राउंड है, उससे हम पता लगा लेते हैं मरकरी ग्रह की सारी स्टोरी, कि मरकरी ग्रह कुंडली में किस हद तक बैठा हुआ है, क्योंकि बुध ने गोल है, नोज उसके थ्रू है, तो उनका नोज प्रॉपर राउंड शेप में है। जो नाक बिल्कुल ही चिपका होता है, हाँ, वो होता है कि बुध के साथ राहु बैठा, कि बिल्कुल वो इस पोर्शन के साथ जो दबा हुआ है, जैसे कोई पैच किया कर दिया हो, किसी ने उसको पुश कर दिया। जो डिफॉर्म्ड होती है ब्रेस्ट ऑन ऑल, हाउ कैन दैट बी इंप्रूव्ड? उसके लिए होता है कि मरकरी और चंद्र दो ग्रहों का सेवन होता है, दूध के साथ जो आप स्पाउट्स लेते हैं मूंग साबुत की दाल का, उसको खाने से इनमें अच्छा इंक्रीज और बढ़ाव इनका फैल जाता है। लार्ज मैन के लिए तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको हल्दी और केसर का सेवन करना है, वो दूध के साथ होता है, उस पे फिर लार्ज हो जाता है। साईं जी, कई लोगों की हाइट बहुत शॉर्ट होती है, हाउ कैन दे इंक्रीज द हाइट? हाइट उसमें आके कितनी एज तक में आया हमारे पास पेशेंट्स, अगर अप टू 18 आया तो श्योर उनकी हम 3 इंच हाइट बढ़ा देते हैं 21 साल तक। किस तरह? हाँ, पहला उसका उपाय होता है यहाँ से, ये मरकरी से, मरकरी और सैटर्न अगर कुंडली में ऊंच नीच में बैठे हो तो हाइट नहीं बढ़ने देते, उनको ग्रहों के मुताबिक पहले तो एक तरफ करना पड़ता है। फिर इस पोर्शन के ऊपर बच्चे को दिन में 2 बार सुबह और शाम गर्म करके तेल मलना है, यहाँ से लेके नीचे तक 15 मिनट तक अपनी मम्मी से या किसी की से वो मालिश करें, फिर गर्म दूध पिए। उस पर लाजमी है कि 6 महीने में 1.5 इंच हाइट बढ़ जाती है, अगर वो रेगुलर मॉर्निंग और इवनिंग करेंगे और उसके साथ बुध कैसे मसाज इस पोर्शन से यहाँ से नीचे को, ये जो हमारी कंठी होती है, जो ये बुध का प्लेस है, जो हमारा वॉइस का है, इसको मसाज करने से क्या होता है? इसको मसाज करने से ये पूरी बॉडी का जो जंप है, जब बच्चा खेलता है, दौड़ता है, कूदते हैं, चलते भी हैं, सारा लोड हमारा यहाँ पर पड़ता है। जब इंसान आपने देखा होगा बहुत थक जाता है तो उसकी आवाज के अंदर साउंड कम हो जाती है, भारी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो इस पोर्शन में सुबह शाम 15 मिनट गर्म तेल मालिश करने से, फिर गर्म दूध पीने से हाइट बढ़ती है। तो इसका मतलब अगर किसी के कोई ग्रह नीच है उसको आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर उधर कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल होता है, ये सारा खेल ही वही ये है। आपका कमाल है। हाँ, यही कमाल है। आप ये बताइए कि स्किन टैनिंग से कैसे बचा जा सकता है? किस किस टाइप की होती है आपको मालूम है? ये सनबर्न हो जाता है, ये ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। हाँ, ये देखो ऐसा होता है कि, और सबसे जो अहम बात है कि स्किन डार्कनिंग हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसा होता है सूरज के कारण जितनी हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की, तो सूरज कुंडली में नीच घर में होता है तभी होती है, जो झेल नहीं पा रहा अपने बाहर के सूरज को। कुंडली में तो एक आपके कागज के ऊपर हैगा, वो बाहर जो नेचुरल है, आप जब भी घर से बाहर निकलते हो अपने घर में और सनरेज पड़ती है तो वो हो जाता है सारा का सारा,
और दूसरा सवाल है आपका, कुछ जगह पे वो डार्क कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। सन जो होता है अपनी बॉडी का ब्लड ही इंसान का खाने लग जाता है, तो उसमें हम सूरज के उपाय होते हैं बड़े प्रकार के। पहला उपाय वो जनरल हम सबको दे देते हैं, थोड़ा सा मीठा चींटियों को रोज डालो 2 चम्मच, पीला फूल विष्णु भगवान पर चढ़ाना, गणेश पर नहीं, गलती हो जाए ग्रह चेंज हो जाएगा। नंबर 3, नमक जो है चलते पानी में सोमवार को 1 किलो 8 सोमवार बहाना, 8 सोमवार 1 किलो नमक चलते पानी में, जिधर पानी का तीनों में से कोई एक उपाय करना, नहीं तीनों जितनी जल्दी ठीक होना तीनों करना। आपको पता है डॉक्टर कितनी मेडिसिन देते हैं आपके साथ में, रिकमेंड करने के बाद मुझे लगता है आपके सारे डिवोटीज भागते रहते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताए हुए नुकसान। एक है, एक बड़ा जोक है, हमारे एक डिवोटी एक बार फंस गए 94.5 में किसी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। तो शाम को अपने ड्राइवर के साथ रोज मुझे मिलने आते थे, मैंने कहा आज क्या किया, कहते आपके उपाय इतने थे कि उसी में आधा दिन निकल जाता है, पर कहते मैं सेटिस्फाई हूँ कि मुझे कामयाबी उतने परसेंट रोज की मिलती जा रही है, अगर और भी है उपाय तो दो मेरी कामयाबी। वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपके उपाय करने के लिए? हाँ उनको वो कोई नहीं, वो तैयार रहते हैं। अगर उनको कभी मेरे पास आएंगे, कुछ ऐसे डिवोटीज हैं जो 6 घंटे बैठे रहते हैं विजिट पे, वहां पे वेटिंग हॉल में बैठे हुए, जब वो आते हैं अंदर, उनको अगर मैंने 2-3 उपाय नहीं लिखे तो कहते कमाल है। मैं कहता जब जरूरत ही नहीं है नहीं, कुछ तो लिखो ना, फिर उनको होम्योपैथिक स्टाइल एस्ट्रोलॉजी उपाय बता देते हैं। ओल्ड एज में जो रिंकल्स आते हैं उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए एक्सरसाइज सबसे ज्यादा, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज गुड फॉर ग्लोरियस फेस, वो घुटनों से नीचे की जितनी इंसान मालिश करता है उसके चेहरे पे रिंकल कभी नहीं आते। विच पोर्शन? यहाँ से नीचे, नी टू टो तक। आपका कहने का मतलब है जितने टीनेज यंगस्टर्स हैं वो अगर यंग एज से अपने पैरों की मालिश रेगुलर करना शुरू करें तो कभी उनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी। 15 मिनट मोर ऑयल से या किसी और चीज, हल्का सा कोई भी तेल ले ले, उसको रब करना है, क्योंकि ये मुंह का जो खिंचाव पड़ना है इसको नीचे खींचते जाएंगे, इसको नीचे खींचते जाएंगे कि चेहरे पर कभी उसको स्किन को इकट्ठा ही नहीं होने देंगे। अगर चेहरे पे स्किन इकट्ठा ही नहीं हो तो रिंकल कैसे? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का हमारा ऑन ब्यूटी। Who doesn't want to be beautiful? Everybody wants to be born beautiful and be beautiful throughout their life. So any message that you want to give? जाते जाते ये बहुत ही अच्छा आज हमारा विषय था जिसके ऊपर चर्चा हुई है, ब्यूटी की, सुंदरता की, कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, जिसके चेहरे पर खूब चमक कुदरत की तरफ से होती है, देखा गया कुंडली में उसके हर काम भी खूबसूरती से चमकते जाते हैं, और निराश होने वाली बात नहीं है। अगर किसी कारणवश कोई इस चीज से पीड़ित है उसके लिए मैं आपको चंद सावधानियां बताऊंगा, उसको आप अपने जीवन में उतारें और जरूर आपको सफलता मिलेगी। पहला उपाय जैसे मैंने बताया, कम से कम 3 महीने जिनके चेहरे पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, चेहरे पर शाई आ जाए, चेहरे पर पिंपल्स एक्नीज हो, तो वो 3 काली मिर्च उठकर सुबह लें, बिना ब्रश बिना पानी पिए, 15 मिनट तक उसको अच्छी तरह मुंह में रखें, फिर उसका जूस अंदर लें, और उसके 15 मिनट बाद आपने ब्रश करना है। और दूसरा उपाय था कि आफ्टर सनसेट दूध जरूर पीना है, लेकिन ज्यादा गर्म ना हो, गुनगुना, और दोपहर को दही जरूर खाना है। अगर आप ये 3 उपाय रेगुलर करते हो तो आपका चेहरा हमेशा गुलाब की तरह और चांद की तरह चमकता रहेगा और दुनिया को खुशियां और खुशबू देता रहेगा। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साई जी। व्यूअर्स, that was a discussion on beauty. Everybody wants to be beautiful and stay beautiful throughout their life. If you have any queries, please feel free to write to us. Our address is Until then, keep guessing. Sonia signing off on your favorite show, Beyond the Stars.